अभी हम लोग बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में, हमने बोला कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन, हम सबका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। यह ब्रेन पूरा और यह स्पाइनल कार्ड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। और ब्रेन से जितनी नर्व्स निकलती हैं और जितनी स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं उनको हम पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। ये क्यों निकलती हैं? अगर ब्रेन अंदर है, वो तो ब्रेन अंदर है, खोपड़ी के अंदर है ना, वो तो बाहर का कुछ देख भी नहीं रहा है, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेट कैसे करेगा? हमारे हाथ से कुछ लिखवाना है, कोई काम कराना है, तो ब्रेन का मैसेज हाथ तक आएगा तब तो हाथ काम करेगा ना। तो वहां से वहां तक एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि नहीं, एक वायर सिस्टम होना चाहिए कि नहीं। तो ब्रेन से अगर आप सोचते हैं कुछ, उसको लिखते हैं करने के लिए, तो वहां से कोई ना कोई क्रेनियल नर्व वहां तक पहुंचनी चाहिए। स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल नर्व वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो ब्रेन स्पाइनल कार्ड को भी मैसेज देगा और ब्रेन बॉडी के हिस्से को भी मैसेज देगा जहां जिसी जरूरत है। वॉलंटरी फंक्शन जितने हैं हमारे ब्रेन से ही रेगुलेट होते हैं, चलना, दौड़ना, बोलना, खाना, हंसना। ये तो हमारा जो 12 जो भी लिख लीजिए, इन 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 अवर बॉडी 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स, ये याद रखिए। इन अवर बॉडी 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स, कितने पेयर्स है बेटा? 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड which are connected to different part of body, which are connected to different part of body for control and coordination. Control और coordination के लिए different part of body तक वो क्या है? Connected है। अब spinal nerve, ए peripheral nerve, nervous system लिख लीजिए। Peripheral nervous system, all the nerves, हाँ ऐसे peripheral में ही तो ये आ गया ना। पेरिफेरल में आल द लिखा, आप लिख लीजिए यहां पे पेरिफेरल नर्व्स, आल द नर्व्स लिखा होगा आपने, आल द नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर कॉल्ड एज पेरिफेरल, यही लिखा ना। तो यहां पे 12 पेयर तो ये हो गई, क्रैनियल नर्व कितनी हो गई? 12 पेयर क्रैनियल नर्व, ये तो आपने लिख लिया। और इसके बाद लिख लीजिए, हां 31 पेयर स्पाइनल नर्व, 31 पेयर्स कौन सी है बेटा? स्पाइनल नर्व, 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स आप किसे कहेंगे? अब तो डिफिनेशन बताने की आपको जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से। ऑल दी नर्व्स व्हिच आर अराइज़ फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स, ठीक है बेटा। ये जो अब यहां लिख लीजिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज टू टाइप, ये दो भाग में बांट दिया गया। क्यों दो भाग में बांटा गया जरा देखिए। यहां पे जितनी नर्व्स निकलती हैं ब्रेन से और स्पाइनल कार्ड से, इसमें से कुछ जो है हमारे ऑटोनॉमस वर्क को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करती हैं। द नर्व्स, द पेरिफेरल नर्व्स, माने वो स्पाइनल कार्ड की भी हो सकते हैं, ब्रेन की भी हो सकती हैं। द पेरिफेरल नर्व्स विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट अवर इनवॉलंटरी ऑर्गन, ऑटोनॉमस इनवॉलंटरी ऑर्गन आर कॉल्ड एज ऑटोनॉमस नर्व्स, एंड द पेरिफेरल नर्व्स विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट और वॉलंटरी ऑर्गन्स कॉल्ड एज सोमेटिक नर्व्स। लिखिए, हाँ, पेरिफेरल नर्व्स के दो भाग हो गए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, पीएनएस के दो भाग हो गए, कौन हो गया? हाँ, ऑटोनॉमस, कोई लिख सकता है आगे पीछे, ऑटोनॉमस नर्व्स और दूसरा क्या हो गया? सोमेटिक नर्व्स। तो थोड़ा सा इनके बारे में लिख लीजिए, ऑटोनॉमस के बारे में लिख लीजिए। ऑटोनॉमस नर्व्स, द पेरिफेरल नर्व्स, विच
पेरिफेरल नर्व विच हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये कुछ पॉइंट तो आपको याद रहना चाहिए डिफिनेशन बनाने के लिए. विच हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स. इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स कैसे ऑर्गन को बेटा? इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स उनके फंक्शन को इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स आर कॉल्ड एस ऑटोनॉमस नर्व्स. ऑटोनॉमस नर्व्स. अब इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स का एक्शन क्या है? जैसे भोजन देख के सलाइवा मुख में से आ जाना, सलाइवा मुख में आ जाना, हार्ट बीट का रेगुलेट होना, ब्रीदिंग रेट का रेगुलेट होना, पलक का झपकना इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं. ये सब किसके द्वारा होंगे? ऑटोनॉमस नर्व्स के द्वारा. और जैसे आप देखते हैं, आप अभी जैसे अंधेरे कमरे में हैं, थोड़ा कम रोशनी है, अचानक से एकदम बाहर में जाते हैं, लाइट जहां है तुरंत तुम्हें नहीं दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि आपका आयरिस ज्यादा खुला हुआ है, यहां पे लाइट कम है, तो ज्यादा लाइट लेने के लिए. और जैसे बहुत तेज धूप में जाएंगे और इतना खुला रहेगा तो बीम ऑफ लाइट आएगा तो आपको डैमेज कर सकता है, रेटिना को बर्बाद कर सकता है. तो तुरंत लाइट में जाते हैं तो एकदम क्लिक करके बंद हो जाता है. वो सोच ही नहीं पता कितना खोले कितना बंद करें. तो पहले होता है पहले बंद कर दो, अब इसके बाद अब कितनी लाइट है उसके धीरे 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 खुलेगा. अब थोड़ा सा खुलेगा जिससे आप देख सके, सर की तरफ देखे देखे आप एकदम ही पूरा सिकुड़ जाता है कि नहीं? वो प्रोटेक्ट करना चाहता है. और फिर वही बाहर से धूप में से अगर अंधेरे कमरे में आए जहां कम रोशनी है, फिर तुरंत दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वहां तो कम खुला है. अब वो धीरे 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 खुलेगा, इतना खुलेगा कि थोड़ी मोड़ी जो लाइट है वो आ जाए, रिफ्लेक्ट होके तब दिखाई देने लगता है. तो ये सब क्या है? इसके लिए हम लोग को कहना नहीं पड़ता है ना, वो तो इनवॉलेंट्री है ना. तो आइरिस का फैलना, सिकुड़ना, सेलेबी ग्रेन से सलाइवा निकलना, डाइजेस्टिव ग्रेन से एंजाइम निकलना, ये सब क्या है? ऑटोनॉमस फंक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शंस है. तो किससे कंट्रोल कोऑर्डिनेट होंगे? ऑटोनॉमस नर्व से, ठीक है ना. और सोमेटिक नर्व्स लिख लीजिए, द नर्व्स व्हिच हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्व्स आर पेरिफेरल नर्व्स व्हिच हेल्प्स इन पेरिफेरल नर्व्स व्हिच हेल्प्स इन बस थोड़ा थोड़ा लिखाते जाएंगे. पेरिफेरल नर्व्स विच हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस और वॉलंटरी ऑर्गन्स कॉल्ड एस सोमेटिक नर्व्स. अब इनवॉलेंट्री में हार्ट बीट रेगुलेशन ये लिख सकते हैं. इनवॉलेंट्री में क्या कर सकते हैं? हार्ट बीट का रेगुलेशन है कि नहीं? ब्रीदिंग रेट भी तो इनवॉलेंट्री है ना. हम लोग हिसाब से नहीं कम बेसी होगा, जैसी जरूरत है खुद कर लेगा. हम लोग के हिसाब से होता है, जरूरत होती तब सोए रहते, मामला गड़बड़ा जाता है कि नहीं? उसको जब जैसा जरूरत है वो कर लेगा. तो हार्ट बीट रेट है, ब्रीदिंग रेट है, सेलाइवा सिक्रीशन ऑफ में एंजाइम आएंगे. तो ये सब क्या है? एंजाइम का भी तो ये सब क्या है? ऑटोनॉमस नर्व्स की वजह से. और सोमेटिक रनिंग. अब सोमेटिक में क्या होगा? जैसे रनिंग है, स्विमिंग, राइडिंग, उठना बैठना, चलना, लिखना पढ़ना, जो भी है आप अपनी मर्जी से करते हो. स्पीकिंग भी है ना,
तो ये सब वॉलंटरी ऑर्गन है, वॉलंटरी फंक्शन है, और कौन रेगुलेट करता है बेटा? सोमेटिक ग्रंथि। समझ में आ गया? बस एक लाइन और ऑटोनॉमस के बारे में थोड़ा सा बता दे, थोड़ा सा हो सकता है पूछ दे, जरूर पूछता है। आपकी किताब में खाली वर्ड दिया है ऑटोनॉमस का, लेकिन इसमें क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो लिख लीजिए ऑटोनॉमस नर्व्स, ऑटोनॉमस नर्व्स, ऑटोनॉमस नर्व्स। अब ऑटोनॉमस नर्व्स दो तरह के हैं, इट इज टू टाइप्स, इट इज टू टाइप्स। पहला है सिंपैथेटिक, पहला है सिंपैथेटिक नर्व, और दूसरा है पैरासिंपैथेटिक, पैरा सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक, ये दो है। आप जानते हैं जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, कोई गाड़ी है, तो जब गियर देंगे स्टार्ट करके तो चलेगी, लेकिन खाली चलते ही रहेगी तो आपको घर पे उतारेगी कैसे? चलते ही जाएगी ना, रोकने के लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए कि नहीं? तो गियर भी होगा और उसके साथ ब्रेक भी होगा, जब चलना है तो चले, जब रुकना है तो रुक, दोनों होना चाहिए कि नहीं? तो वैसे ही ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। इनका 36 का आंकड़ा है हिंदी के, नहीं समझा? एक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है, जिस काम को ये तेज करेगा उसको ये कम करेगा, जिसको वो तेज करेगा उसको ये कम करेगा, मतलब एक दूसरे का मत मिलता नहीं है। तो ये दोनों एक, अब यही पूछ देगा कि सिंपैथेटिक विच वन नर्व्स आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, अपने कार्य में एक दूसरे के विरोधी कौन है? सिंपैथेटिक है पैरासिंपैथेटिक, तो लिख लीजिए हम सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक, दीज टू नर्व आर एंटागोनिस्टिक इन एक्शन, दीज टू नर्व्स आर एंटागोनिस्टिक इन एक्शन। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या है? अपोजिट, हां विरोधी, बदले, अपोजिट इन एक्शन। दीज टू नर्व आर एंटा, ए एन टी ए जी एन ओ एस टी आई सी, एंटागोनिस्टिक, ब्रैकेट में लिख लीजिए अपोजिट, आपको आसान रहेगा क्योंकि बड़ा थोड़ा सा अलग वर्ड है, अपोजिट इन एक्शन। वन इफ एक्सिलरेट द रेट ऑफ वन एक्शन, वन इफ एक्सिलरेट द रेट ऑफ एक्शन, एक्सिलरेट मैंने तेज करना, देन अदर विल स्लो डाउन द सेम एक्शन। एक अगर जिस एक्शन को तेज कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा? स्लो डाउन करेगा, ठीक है ना? तो अब देखिए कैसे कैसे तेज और स्लो कर रहे हैं, लिख लीजिए सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, इसको जरूर ध्यान से सुन लीजिए, इसमें क्वेश्चन बनता है बेटा। सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व एक्सिलरेट द, एक्सिलरेट मैं बोल रहा हूं, स्टार्ट नहीं बोल रहा हूं, स्टार्ट तो हरी है, हम लोग सांस ले रहे हैं, हमारा हार्ट धड़क रहा है, लेकिन जब वो शेर आ जाएगा तो अब क्या होगा? भग जाएगा ना? ये सिंपैथेटिक काम करती है, सिंपैथेटिक हार्ट बीट रेट और ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देती है जरूरत पड़ने पर, लेकिन दिन भर शेर चला गया जंगल में फिर भी बढ़ा ही रहे तब क्या होगा? बीमारी हो जाएगी ना, नार्मल हो जाना चाहिए, तो उसको कम कौन करेगा? नार्मल कौन करेगा? पैरासिंपैथेटिक। समझ नहीं? तो सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व क्या करेगी बच्चों? हाँ, सिंपैथेटिक नर्व एक्सिलरेट, एक्सिलरेट, एक्सिलरेट द हार्ट बीट रेट, हार्ट बीट रेट
एंड ब्रीदिंग रेट एज पर नीड ऑफ द बॉडी एट पर नीड ऑफ द बॉडी, जब शरीर को जरूरत है तब उसको एक्सीलरेट करेगा, लेकिन उसी समय में क्या करेगा, बट स्लो डाउन द सेक्रीशन ऑफ हाँ सेलाइबा एंड डाइजेस्टिव जूस, स्लो डाउन द सेक्रीशन ऑफ सेलाइबा एंड एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब देखिए यहां पे इसको बढ़ा रहा है, इसको घटा रहा है, अब इसके उल्टा चलिए। पैरासिंपैथेटिक नर्व एक्सिलरेट द सिक्रीशन ऑफ सेलाइबा, है ये गुलाब जामुन देखेंगे, लौंग लता देखेंगे, वो अपना काम कर देगी, है ना, स्टिमुलेट कर दिया और मुंह पानी से भर जाता है, नहीं अभी गुलाब जामुन का नाम लीजिए, कोई जो डिश आपको याद हो बढ़िया। अच्छा ये चीज कभी ये महसूस किए होंगे या नहीं महसूस किए होंगे तो सुने होंगे कि जैसे इंसान थोड़ा स्ट्रेस में होगा, जैसे स्ट्रेस में होगा या कोई खतरनाक चीज देख लिया, शेर भालू कुछ भी, तो हार्ट बीट रेट ब्रीदिंग तो बढ़ जाएगा लेकिन मुंह सूखने लगता है, ऐसा महसूस होता है कि नहीं। तो वही बात तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो है हार्ट बीट रेट ब्रीदिंग तो बढ़ा देगा लेकिन इसका सिक्रीशन स्लो हो जाएगा, तो स्लो हो जाएगा तो मुंह नहीं सूखेगा, सलाइवा निकलवे नहीं करेगा। अच्छा जब नॉर्मल कंडीशन है तो हार्ट बीट रेट ब्रीदिंग तो नॉर्मल हो गया, स्लो डाउन होकर नॉर्मल हो गया, बंद नहीं होगा नॉर्मल होगा लेकिन सलाइवा आराम से निकलेगा, इजी हो जाएगा सब, ऐसा महसूस किया कि नहीं। तो बस इसी तरह से याद कर दीजिएगा, अपने बॉडी में एक्सपीरियंस करके याद करेंगे तो कभी उल्टा पुल्टा नहीं, तो इसका काम उसको दिखा देंगे, उसका इसको, फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ आ गया?